नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। अटेली खंड के गांव नीरपुर राजपूत में 3.5 एकड़ में 7 करोड़ की लागत से बनने वाले दमकल विभाग व नगर पालिका कार्यालय का कार्य अधर में लटक गया है। 2 वर्ष पहले राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्य का उद्घाटन किया था। जानकारी यह भी है कि 15 दिन पहले जिला उपायुक्त ने ग्रामीणों द्वारा घटिया सामग्री की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की थी। कार्य अधर में लटक जाने से ग्रामीणों में प्रशासन और सरकार के खिलाफ नाराजगी है। यदि ग्रामीणों की माने तो यह कार्य वर्तमान विधायक के कारण बाधित हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कार्य रास्ते की चौड़ाई कम होने की वजह से रोका गया है, लेकिन कार्य आरंभ हुआ तब इस प्रकार का कोई कारण नहीं था। इस विषय में हमारे संवाददाता ने नीरपुर गाँव के सरपंच से बातचीत की, सुनिए। सीएम घोषणा के बाद शुरू किया था, जिसके लगभग कार्य किया गया, लेकिन उपायुक्त निरीक्षण के बाद यह जानने के लिए रास्ता छोटा 2 कदम देखने को मिला था, जिसके कारण निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। लेकिन पंचायत के माध्यम से रास्ता 6 कदम का चौड़ा रास्ता पंचायत भूमि में से देने का प्रस्ताव पारित करके उस अधिकारी को। इस विषय में हमारे संवाददाता ने नगर पालिका के जेई से बातचीत की। किस योजना के तहत चल रहा है और क्या क्या कार्य हो रहा है? यहाँ सीएम अनाउंसमेंट का तहत 2 कार्य लौट हुए हैं, एक तो अपने फायर स्टेशन का और एक एनसी ऑफिस का। तो कितनी भूमि में बनने हैं ये? सर 3.5 एकड़ के लगभग भूमि है। कितनी राशि से बनने हैं ये? 7 करोड़ के समथिंग है। अब तक कितना कार्य हो चुका है इसमें? फायर स्टेशन में तो 25-30% के लगभग, और ऑफिस बिल्डिंग में अभी फाउंडेशन नहीं है, काम चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि अब वो काम बंद कर दिया गया है, किस कारण से बंद किया गया? उसका ये था सर, एक दो रास्ते थे वो सिकड़ा था, एक तो रास्ता और सर इधर देखो जी सर, तो जो रास्ता था वो सिकड़ा हुआ था, तो यहाँ पे विधायक साहब जी ने किया था निरीक्षण और डी सी साहब ने, तो सकड़ा होने के कारण फायर स्टेशन का काम है वहाँ पे, तो उसके लिए एक नए प्रस्ताव के लिए बोलना है कि आप पूरा 30-40 फुट के बीच का कोई भी रास्ता आप निकालो वहाँ, उसके बाद ही आपका जो कार्य है वो एग्जीक्यूट करो। तो इस संबंध में पंचायत ने प्रस्ताव देके 33 फुट का रास्ता निकाल दिया, बताया प्रस्ताव दे दिया गया है, आपकी नॉलेज में है ये मामला? ये है सर, वो एक्चुअली पंचायत मना कर रही थी, जो हम डीसी साहब जिस टाइम आए थे उस टाइम दूसरे रास्ते के रिगार्डिंग उनसे बातें हुई थी पंचायत द्वारा से, तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया, वो दूसरे रिकमेंड कर दिए हैं, 33 फुट का जो रास्ता वो दूसरा रिकमेंडेशन कर रहा है। तो अब ये कार्य रास्ते के बगैर कब तक रुका रहेगा, या फिर इसको अलग जगह शिफ्ट किया जाएगा? इसका तो सर कुछ नहीं कह सकते, अलग जगह का शिफ्ट करने का, यानी कि तब तक रास्ता नहीं होगा जी, तब तक ये कार्य रुका रहेगा जी जी, यही कहना है ना जी जी। बाकी पंचायत ये कह रही है कि रास्ते के लिए हमने प्रस्ताव दे दिया है जी, तो कहाँ तक इस बात को बैलेंस बनाया जाए? जी जी सर, हमारे पास तो अभी इसका कोई छाया नहीं है, हमारे पास जो ऑब्जेक्शन था उनका वो आया था कि हम वो वाला जो पहले रास्ता डिक्लेयर हुआ था वो अलॉट नहीं कर सकते, तो जैसे ही कोई लेटर आएगा हम आगे प्रोसीड करेंगे उस चीज़ के लिए। ये कार्य करने की समय अवधि कितनी थी पूरा करने के लिए? इनकी होती है सर 6 महीने के लगभग इनकी, जैसे कार्य एग्जीक्यूट होने के बाद अगर किसी चीज़ से डिले होता है तो एक्सटेंशन हो सकती है। ये किस ठेकेदार के माध्यम से करवाया जा रहा है? ये दुर्गाधर ठेकेदार है। वो कहाँ से है? कनीना से। और क्या कहते हैं विधायक जी? नीरपुर राजपूत गांव में जो दमकल का ऑफिस कार्यालय का जो कार्य चल रहा था वो रुक गया है पिछले काफी दिनों से, है कि ये विधायक की वजह से रुका है। सत्येंद्र जी, मैं मौके पे गया था, मैंने वहां के पता किया तो कुछ गलतियां रह गई थी उस जगह का, रास्ता जो है वो 11 फुट का था, मैंने उस काम को बंद कर दिया और डीसी साहब को अवगत करा दिया, और वहाँ की पंचायत ने प्रस्ताव करके उस रास्ते को 4 कदम और बढ़ा दिया और हम जल्दी उस काम को शुरू करवा दिया, कोई दिक्कत थी नहीं उसमें, केवल रास्ते। लगभग कब से काम शुरू हो जाएगा? अभी मैं पता करूँगा, मैं व्यस्त था,
और दो चार दिन में बता कर कुछ काम कर रस्ते का प्रस्ताव तो दे चुके हैं पंचायत नहीं वो दो तीन दिन पहले तो वो जो 11 फुट का रास्ता है उसके साथ से 4 क्रम बढ़ाना गया था। बाद में गांव के लोगों ने सब को कह करके वो रास्ता दूसरी जगह शिफ्ट किया है, जो अगला जो किला नंबर था उस किले के अंदर से वो रास्ता सीधा केवल उसी जगह के लिए केवल रास्ता होगा। वो रास्ता कुछ जमींदारों का भी था तो उन्होंने 33 फुट का अलग से रास्ता उस जगह के लिए दे दिया है और हम जल्दी मैं यू साहब को बता के और उस काम को हम बहुत जल्दी उसको शुरू करते हैं। अब देखना यह है कि यह अटका हुआ कार्य कब पूरा होता है। दमदार खबरों के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।